का हमारा टॉपिक है एवरेज, जिसको हम हिंदी में औसत बोलते हैं। कोई भी एग्जाम हो, DSSB हो, SSC हो, कोई भी हो, उनमें हर हमेशा एक नंबर का जरूर यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो आज हमारा टॉपिक है एवरेज। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 9 चीजों का औसत 87 है। तो पहली 5 चीजों का औसत 79 है और अगली 3 चीजों का औसत 92 है। 9वीं चीज का मान ज्ञात करो। तो देखो, पहले क्या करते हैं, पहले हम 9 चीजों का औसत निकाल लेते हैं। 9 × 87, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आता है 783। अब हमसे बोला है 5 चीजों का औसत 79 है, तो अब हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 79 को, जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद आता है हमारा 395। अगला बोला है कि 3 चीजों का औसत 92 है, अब हम 3 को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना 92। अब इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आया हमारा 276। अब हमारी देखिए 5 और 3 8 हो गए, हमें किसका निकालना है, 9वीं का। तो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इनको प्लस करने के बाद आता है हमारा 671। जैसा कि मैंने बताया है कि इसमें से अब हम इसको माइनस कर देंगे, तो अब यहाँ पर 783 माइनस बाय 671। अब इनको माइनस करने के बाद हमारा आता है 112। ये हमारा आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमवार से बुधवार का औसत तापमान 37 डिग्री है, जबकि मंगलवार से वीरवार का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है। वीरवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है, वीरवार का तापमान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सोम क्या लिख सकते हैं हम, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कितना डिग्री बताया है 37 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 3। मैंने मल्टीप्लाई इसको 3 से क्यों किया, क्योंकि मुझे 3 दिन मिले हैं और इनकी टोटल संख्या मुझे पता चल जाएगी कि इसका टोटल तापमान कितना है। मैंने अब इसको मल्टीप्लाई किया तो 11 डिग्री आ गया। अब अगला ही बोला है हमें मंगल से वीरवार, तो मंगल, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, कितना है 34 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई 3, 102 डिग्री अब हमारा आ जाता है। अब देखिए, ट्यूसडे वेडनेसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, हमारे पास क्या बचा, मंडे माइनस थर्सडे, कितना डिफरेंस है 9, तो माइनस 9। अब अगले स्टेप में बोला है कि वीरवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है, तो थर्सडे हमारा किसके इक्वल है 4/5 मंडे। हम यहां पर थर्सडे मंडे, थर्सडे को 4 लिख सकते हैं और मंडे को 5। अब हमारी यूनिट निकल के आ जाएगी, यहां पर डिफरेंस कितने का है 1 का, यहां पर 9 का, तो 1 इज इक्वल टू किसके बराबर है 9 के, तो हमें किसका चाहिए थर्सडे का, तो इसको थर्सडे से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा तापमान थर्सडे का निकल कर आ जाएगा। अगर मुझसे पूछा जाता कि मंडे का कितना है, तो मैं मंडे को 9 से 5 की मल्टीप्लाई कर देती। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत 30 है तथा उत्तम वेल निमन स्कोर का अंतर 100 है, अगर इन दोनों पारियों को हटा दें तो उसकी औसत 28 हो जाती है, तो उत्तम स्कोर ज्ञात कीजिए। देखिए 42 का हमें कितना मिला है, 42 मल्टीप्लाई 30, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया है 1260। अब अगला बोला है हाई और लो, हाई और लो, तो इनका हाई और लो का अंतर कितना है 100, मगर आगे ही बोल दिया कि इन दोनों पारियों को हटा दे तो उसकी औसत 28 हो जाती है, अगर मैंने इनको हटा दिया तो कितनी बच गई 40, कितना है 28, तो मैंने अब इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आता है 1120। अब हमसे पूछा कि उत्तम स्कोर याद कीजिए, अगर हाई और लो का डिफरेंस इतना है तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, मुझे दो पारियों का प्लस मिल जाएगा,
तो मैंने अब इनको माइनस किया 140 आ गया। तो दो बार ये है हाई प्लस लो इज इक्वल टू 140 प्लस माइनस कट 2h इज इक्वल टू 240। तो h इज इक्वल टू 240 अपॉन 2, 2 वन जा 2 टू जा। तो हाईएस्ट स्कोर पूछा था वही हमारा निकल कर आ गया, तो 120 हमारा आंसर वजन ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 किलो बढ़ जाता है जब 56 किलो वाले व्यक्ति की जगह एक नया व्यक्ति आ जाता है, नए आदमी का वजन ज्ञात करो। देखो 8 व्यक्ति का औसत वजन कितना बढ़ जाता है 2.5 किलो जब 56 किलो वाला व्यक्ति की जगह एक नया व्यक्ति आ जाता है। तो देखो इस सवाल को किस प्रकार करेंगे, 8 गुणा में 2.5, पॉइंट को हटा दो नीचे 10 लगा दो, 5 गुनी 10, 5 5 25, 2 चौक 8, 4 पंजे 20। इसका मतलब यह हुआ कि जब 56 किलो का व्यक्ति गया है तो उसकी जगह पर एक जो नया व्यक्ति आया है उसमें 20 किलो वजन ज्यादा है, तो इसलिए हम इसको क्या कर देंगे 56 में 20 को ऐड कर देंगे, तो वो जो नया व्यक्ति आया है वो हमारा होगा 76 केजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 वर्ष पहले पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी, वर्तमान में पति पत्नी व बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है, बच्चे की औसत आयु ज्ञात करें। तो देखो 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले कितने हैं पति और पत्नी, 2 है, कितनी औसत आयु है 23 वर्ष 46 वर्ष, मगर ये 5 वर्ष पहले की बात है तो मैं प्रेजेंट में लाने के लिए इसे 5 गुना में 2 कर दूंगी और ये मेरी निकल के आ जाएगी वर्तमान औसत आयु, इसमें प्लस कर दो। अब ये हो गई हमारी वर्तमान आयु, क्योंकि उसने अगले स्टेप में बोला कि वर्तमान में पति पत्नी व बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है, कितने हो गए 3 मल्टीप्लाई कर दो 16। अब उसने बोला कि बच्चे की औसत आयु बताएं, इनका डिफरेंस कितना आ गया 4, तो ये हमारी बच्चे की औसत आयु निकल कर आ गई।